बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो लास्ट टाइम हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, कि नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ए सरफेस इज कंप्यूटेड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो फ्लक्स इज इक्वल टू ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर। सो आज हम देखेंगे कि गॉस लॉ किस लिए यूज़ होता है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। मैथमेटिकली वी एक्सप्रेस द आइडिया ऑफ लास्ट टू स्लाइड्स एज फाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू एरिया ओवर ए क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया विच इज इक्वल टू क्यू इन क्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज नोन एज गॉस लॉ। So we will find that Gauss law gives a simple way to calculate electric field for charge distribution that exhibit a high level या high degree of symmetry. So हम symmetry जिस तरह से use करते हैं पीछे कि जी अगर x axis पे 0 होगा तो negative x axis पे भी 0 होगा। So उसी तरह से symmetry use करके हम किस तरह से compute कर सकते हैं flux को। So इसलिए हम use करते हैं गॉस लॉ को। सो क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपकी इक्वेशन बन गई। सो वी विल सेव मोर कम्प्लेक्स चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एडवांस। सो यूज गॉस लॉ टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज क्यू। लेट्स एज्यूम द पॉइंट चार्जेस प्लस क्यू। अब ये प्लस क्यू है, इसके लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड एवरीवेयर पॉइंट्स अवे फ्रॉम द चार्ज, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है तो इस तरह से इसकी डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। सो इफ़ यू गो एनी डिस्टेंस आर अवे फ्रॉम पॉजिटिव क्यू, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज डायरेक्टेड आउट एंड हैज द सेम मैग्नीट्यूड एज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अदर आर। ठीक है, डिस्टेंस आर पे सेम मैग्नीट्यूड के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी। सो व्हाट इज द सिमिट्री ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड? स्फेरिकल। ठीक है जी, यहाँ से आप देख सकते हैं कि सिमिट्री क्या है, स्फेरिकल है। अगर आप इसको एक स्फीयर के अंदर फिट करें तो ये प्रॉपरली फिट आ जाएगी। सो हमारे पास गॉस लॉ है, क्या है? ई डॉट डी ए क्लोज इंटीग्रल इज इक्वल टू क्यू इन क्लोज ओवर एप्सिलॉन नॉट। टू अप्लाई गॉस लॉ वी रियली वॉन्ट टू पिक ए सरफेस फॉर विच वी कैन इजिली एवेल्यूएट ई डॉट डी ए। वही काम, हमने एक सर्विस पिक करनी है जिसे के लिए हम इजिली ई डॉट डी ए को कंप्यूट कर लें और फिर सिमिट्री यूज करके उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करें। सो वी वॉन्ट ई टू एवरी पेयर बी आइदर पैरेलल और परपेंडिकुलर टू द सर्फेस। सो हम को ये यकीनी बनाना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आइदर पैरेलल है या परपेंडिकुलर है। सो लेट्स ड्रॉ ए गॉसियन स्फीयर अराउंड रेडियस आर। अब इसके अक्रॉस हमने क्या है, गॉसियन स्फीयर बनाना है जिसका रेडियस आर होगा और वो इस क्यू चार्ज को इनक्लोज कर रहा होगा एट सेंटर। सो ये आपके पास एक स्फीयर बन गया एक रेडियस आर के ऊपर, और डी ए की डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सो नेक्स्ट काम हमने क्या करना है कि ये हमने ई डॉट डी ए कैलकुलेट करना है। सो उसके लिए हमारे पास क्या होगा, एवरीवेयर ऑन द स्फीयर ई एंड डी ए आर पैरेलल एंड ई इज कांस्टेंट। आप देख सकते हैं कि ई कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म सरफेस है। सो हम ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ई डी ए विच इज इक्वल टू ई बाहर आ गया ई डी ए इंटीग्रल ऑफ डी ए। सो ई ए स्फीयर वन डॉट ई डी ए का सॉरी वन डॉट डी ए का जो इंटीग्रल है वो ए आएगा आपके पास। सो ई इज इक्वल टू सॉरी विच इज इक्वल टू ई ए स्फीयर। सो एरिया क्या है आपके पास स्फीयर का, 4 पाई आर स्क्वेयर, उससे आप रिप्लेस कर दें, आपके पास इक्वेशन आ जाएगी ई इंटू 4 पाई आर स्क्वेयर। अब दोनों को आपने क्या करना है, इक्वेट कर देना है। अब जब क्यू इनक्लोज और एप्सिलॉन नॉट के साथ इक्वेट करेंगे तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी और आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से बाय रीअरेंजिंग आ जाएगी, ई इज इक्वल टू क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वेयर। द डायरेक्शन ऑफ ई इज शोन इन द डायग्राम, और यू कैन से ई इज रेडियली
outwards. So E का एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया और E क्या है अवे फ्रॉम Q, Q से अवे जा रही है आउटवर्ड्स. सो R इसलिए रिप्रेजेंट हो रहा है क्योंकि वो सिस्टम पैरामीटर है. सो R जो है ना वो आप E को एज ए फंक्शन ऑफ R जो है वो लेंगे तभी जाके आपके पास जो है इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, क्योंकि हमने इसमें गॉसियन स्फीयर को इंक्लूड करवाया है. क्योंकि जब हम गॉस लॉ यूज़ करते हैं तो हम गॉसियन स्फीयर को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो इस वजह से हमारे पास R इंक्लूड हुआ है सिस्टम के अंदर जबकि प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर नहीं. सो ये जो स्ट्रेटजी है वो है गॉस लॉ प्रॉब्लम्स के लिए. सो आपने सबसे पहला काम क्या करना है, सेलेक्ट ए कोहेजन सरफेस विद सिमेट्री दैट मैचेस द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. वही कि आपने देखना है कि पैरेलल है होनी चाहिए या परपेंडिकुलर होनी चाहिए. यूज सिमेट्री टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ ई ऑन कोहेजन सरफेस. सो यू वांट ई टू बी कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड एवरीवेयर परपेंडिकुलर टू द सरफेस सो दैट ई डॉट डी इज इक्वल टू ई डी ए और एल्सवेयर पैरेलल टू द सरफेस सो दैट ई डॉट डी इज इक्वल टू जीरो. ये बेसिकली आप सिमेट्री यूज करेंगे. अगर पैरेलल है तो आप जीरो हो जाएगा, जब परपेंडिकुलर है तो ई डी ए उसका आंसर आएगा आपके पास. सो आपने एवेल्युएट करना है सरफेस इंटीग्रल पूरे के लिए और फिर डिटरमाइन द चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस. सॉल्व फॉर ई, ई के लिए सॉल्व करना है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी. सो हमारे पास एक और प्रॉब्लम है कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर रेडियस आर इज ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन इन्फिनिटी फॉर एन इंसुलेटिंग स्फेरिकल शेल ऑफ इनर रेडियस ए, आउटर रेडियस बी है एंड विद ए यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो स्प्रेड थ्रू आउट द शेल. अब हम इसको विजुलाइज करते हैं, पिक्चर बनाते हैं इसकी. इसका ये आपके पास आ गया स्फेरिकल शेल. सो ये इसकी जो चार्ज डेंसिटी है, जो चार्ज है इसमें जो चार्ज हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो क्यू से नहीं कर रहे, रो से कर रहे हैं, कि जो इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट चार्ज है उसको हम कहते हैं चार्ज डेंसिटी. और चार्ज डेंसिटी का फार्मूला हम पीछे देख के आए, ठीक है. सो इनर रेडियस इज ए एंड द आउटर रेडियस इज बी. सो आई सी थ्री डिफरेंट रीजन्स, तीन रीजन्स है हमारे पास, एक जीरो से लेके ए तक, एक ए और बी के दरमियान, एक आर ए आर इज ग्रेटर देन ए एंड लेस देन बी, एक ये रीजन बन गया और एक आर इज ग्रेटर देन बी, ठीक है, जो स्फीयर का रीजन है. ये तीन रीजन है. अब इन तीनों रीजन्स के लिए हमने डिफरेंट हमने जो है इनके एक्सप्रेशन निकालने और फिर इनको ऐड. प्रैक्टिकली जीरो नहीं है लेकिन इस केस में क्योंकि चार्ज इंक्लूड नहीं है तो हम उसको कह सकते हैं कि जी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है. तो अब इस केस में ये हमारे पास पहला केस आ गया, ठीक है. सो अब नेक्स्ट केस के लिए हम करेंगे. अब हमारे पास आ गया फॉर ए आर इज ग्रेटर देन ए एंड लेस देन बी. सो अब हमारा जो स्फीयर बनेगा वो यहाँ पे बनेगा, ठीक है जी. अब इसके लिए अब देख लें कि यहाँ पे चार्ज अवेलेबल है और रो जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो हमारे पास जो है सिमेट्री से जो इक्वेशन इसकी आ जाएगी इज आउटवर्ड. सो अब हमने ई डॉट डी ए कैलकुलेट करना है, ई बाहर आ गया, एरिया क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी ए. सो वो क्या है हमारे पास 4πr². सो हमारे पास ई 4πr², ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया दूसरे केस के लिए. चलते हैं थर्ड केस पे. इसके लिए क्यों इनक्लोज्ड, ये हमारे पास चार्ज है, इसको हम रो वी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. वे रो हमारे पास वही चार्ज डेंसिटी और वी जो है वो वॉल्यूम है, ठीक है जी. और उसको हम ले इस तरह से ले सकते हैं कि
वी स्फीयर ऑफ वॉल्यूम, स्फीयर ऑफ रेडियस आर और वॉल्यूम माइनस कर देंगे स्फीयर ऑफ रेडियस ए। तो हमारे पास जो एरिया बचेगा वो यही वॉल्यूम जो ब्लू शेडेड आपको नज़र आ रहा है, यही वॉल्यूम बचेगा जिसको हम रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास चार्ज इंक्लोज्ड आ जाएगा। बेसिकली हमने किया क्या है कि ये जो इनर सर्कल है इसमें कोई भी जो भी चीज़ है उसको हमने इसमें से माइनस कर दिया, और हमने जो है यही पोर्शन ली है जो ब्लू डार्क ब्लू नेवी ब्लू शेडेड आपको नज़र आ रहा है, इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो हमारे पास क्यू इनक्लोज में इस फार्मूला से आ गई। सो क्यू इनक्लोज इज इक्वल टू रो, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4 बाई 3 पाई r³ माइनस 4 बाई 3 पाई a³, क्योंकि उस छोटे वाले सर्कल में रेडियस a है और बड़े वाले बाहर वाले सर्कल में रेडियस r से हम डिनोट कर रहे हैं। जो स्फीयर ऑफ रेडियस r है उसका वॉल्यूम ये होगा और स्फीयर ऑफ रेडियस a का वॉल्यूम ये होगा। फाइनल एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगा 4 बाई 3 पाई ρ³ माइनस a। ये चीज़ आ गई। अब हमने ये दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दिया, एक तो हमने निकाला था ई डॉट डी एल इंटीग्रल, वो हमारे पास आ गया ई इंटू 4 पाई r² विच इज़ इक्वल टू 4 बाई 3 ρ पाई ρ r³ माइनस a³ डिवाइडेड बाई एप्सिलन आर। जो हमने चार्ज निकाला ये वो आ गया चार्ज डिवाइडेड बाई क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलन आर। सो अब नेक्स्ट हमने इसको रीअरेंज कर दिया तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गया, ये हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गया और इसकी डायरेक्शन जो है वो रेडियली आउटवर्ड है। वी स्टिल हैव टू कैलकुलेट फॉर आर। सो अब आते हैं थर्ड केस के ऊपर। अब हमने निकालना है आर इज ग्रेटर देन बी। अब इस केस में भी आप देख सकते हैं कि चार्ज इनक्लोज किस तरह से निकालेंगे, वो हमारे पास ई इज इक्वल ई डॉट डी ए क्या है ई इंटू 4 पाई r² विच इज इक्वल टू रो इंटू वॉल्यूम शेल ऑफ द इनर रेडियस ए एंड आउटर रेडियस बी डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। सो वो हमारे पास क्या आ जाएगा रो इंटू 4 बाई 3 पाई b³ माइनस a³। बेसिकली हमने क्या किया है वॉल्यूम ऑफ रेडियस जो b था शेल ऑफ रेडियस b से माइनस कर दिया शेल ऑफ रेडियस a को, तो हमारे पास आउटर उसकी जो ये जो आपको ब्लू शेडेड रीजन लाइट ब्लू शेडेड रीजन नज़र आ रहा है इसका हमारे पास चार्ज पूरा निकल आया। सो ये हमारे पास आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इसके लिए। सो रो इंटू b³ माइनस a³ डिवाइडेड बाई 3 ε₀ r² रेडियली आउटवर्ड। सो ये हमारे पास तीनों रीजन्स के लिए जो तीन रीजन्स थे उनके लिए हमने इक्वेशंस निकाल ली। इज कंटिन्यूस एट बोथ r इज इक्वल टू a एंड r इज इक्वल टू b, ठीक है। सो इसकी एक एप्लीकेशन जो एग्जिस्ट करती है वो है ये वन डे ग्राफ जनरेटर, जिससे वन डे ग्राफ जनरेटर जो फ्लक्स जनरेट करता है, ठीक है। तो इसकी वीडियोस इसके बारे में आप जाके विकिपीडिया से जो नीचे लिंक है उसमें से उसको पढ़ सकते हैं।